मेरे प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहे, बन कर ये संत दानवों से काम कर रहे। मेरे प्रभु श्री राम को बदनाम कर रहे, बन कर ये संत दानवों से काम कर रहे। सोचो नहीं अब जा इन्हें सूली पे चढ़ा दो, सोचो नहीं अब जा इन्हें सूली पे चढ़ा दो। इज्जत मेरे भारत की जो नीलाम कर रहे, इज्जत मेरे भारत की जो नीलाम कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, चार चार पंक्तियां आपके बीच रखूंगी, मोहब्बत की बातें करूंगी, श्रृंगार की कवित्री हूँ, गीत गजल मोहब्बत की बातें करती हूँ। चार चार पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। देखिए आदरणीय, हाँ हाँ नहीं आप तो पढ़ते जाओ। देखिए बहुत बुरी आदत होती है ऐसे लोगों में जो कि बीच बीच में टोकते हैं, और ये मेरी गलती नहीं है। अब ये देख लो माइक वाला भी अब वीडियो बनाने लगा, मेरी क्या गलती है इसमें। ये जी मैं वैसे तो सीधा सीधा काव्य पाठ करना चाह रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये संचालक होते क्या है। आप सभी जानते हैं संचालक लोग कैसे बनते हैं, और मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि किस तरीके से संचालक बनते हैं, और आपका समर्थन चाहूंगी, जोरदार तालियों से इनका सम्मान भी करना। ये संचालक बने कैसे। एक लड़की के प्यार में ठोकर खा बैठी, एक लड़की के प्यार में ठोकर खा बैठे, और कवियों की पंक्ति में ये आ बैठे। कवियों ने अपनाने से इनकार किया, कवियों ने अपनाने से इनकार किया, साइड में संचालक बन कर जा बैठे। संचालक बन कर एक लड़की के प्यार में ठोकर खा बैठे, कहीं कुंवर बेचैन जी लिखते हैं, और मैं समर्पित करता हूँ मोनिका जी को कि सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का था फिर भी पिघलने नहीं दिया, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया। देखिए वैसे आप इजाजत दें तो मैं चार पंक्तियां नहीं कविता पाठ करो, क्योंकि ये लंबा काम जुड़ जाएगा। देखिए ये जो कह रहे हैं कि गुलाल इन्होंने रंगने नहीं दिया, और आप इनकी तरफ देखिए और फिर मेरी तरफ देखिए। पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ, अगर अच्छी लगे, पंक्तियां सच्ची हो तो अच्छी तालियों से समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जवाब और सवाल ये चलते रहेंगे, लेकिन देखो घड़ी इजाजत नहीं दे रही भाई साहब, नहीं तो मैं आपकी भी मान लेता, इनकी भी मान लू, अब मैं इनकी मान लेता हूँ, आप कविता पाठ करें, क्योंकि हमें महेंद्र जी तक की मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं सीधे नहीं आप काव्य पाठ करो, आप शांति से बैठे रहिए, वरना रात भर ऐसे ही सुनते रहोगे। जी जी स्वागत स्वागत। चार चार पंक्तियां आपके बीच रखना चाहती हूँ, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, समय की सीमा देखते हुए थोड़ा थोड़ा सबके मन की बात कहूंगी, सुनिएगा। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। याद दे जा आखिरी तनहा बना कर छोड़ दे, गैर मत होना मुझे अपना बना कर छोड़ दे, ऐसी किस्मत है कहाँ तेरी बनो मेरा अधिकार, ऐसी किस्मत मुझको मुरली वाले बस मेरा बना।
बहुत अच्छे, बहुत देखिए कृष्ण मेरे आराध्य थे तो उनके श्री चरणों में मैंने ये चार पंक्तियां पढ़ी। अब पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रसधार गीत गजलों की बहाने आई हूँ, तालियों की बरसात में नहाने आई हूँ। सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला, सम्मान समर्थन ये प्रेम हर शहर मिला। अब आपका भी प्यार आजमाने धन्यवाद। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। अभी कलाम भारती जी आए और उन्होंने गजराज कौशिक जी को एक कोहिनूर की पदवी दी, दर्जा दिया, तो पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। अगर पंक्तियां सच्ची हो तो आपका समर्थन चाहूंगी, सुनिएगा जी। स्वागत। दिल वालों की नगरी गुहाना प्यार में मशहूर, क्या बात है। दिल वालों की नगरी गुहाना प्यार में मशहूर, दीवाने हैं यहाँ सभी सब दिल लगी में चूर, दीवाने हैं यहाँ सभी सब दिल लगी में चूर। जो है यहाँ वो सारे जमाने में नहीं है, जो है यहाँ वो सारे जमाने में नहीं है। लड़के यहाँ के हीरे लड़कियाँ है कोहिनूर, लड़के यहाँ के हीरे लड़कियाँ है कोहिनूर। देखिए जब आपकी तारीफ हो रही हो तब तो तालियां अच्छी बजा सकते हो अपने लिए। वो तो डूब गए तारीफ में। जी जी जी, आप मत डूबना। सुनिएगा, मैं चार पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, अपने नौजवान दोस्तों का समर्थन चाहूंगी। वैसे तो देख रही हूँ कि संख्या बहुत कम है, लेकिन आज जितने भी भूतपूर्व नौजवान बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपने लिए ये पंक्तियां समझते हुए और समर्थन करते हैं। तुम चिंता मत करो, सुनिएगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ने दो, सुनिएगा। मैं चाहती हूँ मेरा काव्य पाठ भी पूरा हो जाए, मैं जल्दी जल्दी पढ़ भी दूं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, होठों को छू के मेरे गुलाबी बना गया, आँखों से पिलाई के शराबी बना गया, आँखों से पिलाई के शराबी बना गया। है उससे मोहब्बत जमाने जालिम मेरे चेहरे को किताबी बना गया, जालिम मेरे चेहरे को किताबी बना गया। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद एक गजल आपके बीच। जी जी, स्वागत स्वागत। नहीं बात नहीं कर रहे। एक लड़के से मिली नजर तो प्यार हो गया। जी आपके मतलब की बात हुई, ऐसी आ रही है आपको बहुत, तालियों से समर्थन करना, सुनिएगा। एक लड़के से मिली नजर तो प्यार हो गया, ना करना चाहा फिर भी इजहार हो गया, अब लोग उसके नाम से लगे पुकारने, अब लोग उसके नाम से लगे पुकारने। जीना दुश्वार हो गया, जीना मेरा जमाने में दुश्वार हो गया। और एक गजल, मतलब बहुत खूब बहुत खूब, स्वागत स्वागत। हाँ नहीं कुछ नहीं, वो कह रहे बहुत अच्छा पढ़ रही है। अगर आप इजाजत दें तो एक गजल का एक मतलब दो तीन शेर पढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से आप मोनिका को। देखिए इतनी बंदिशों में भी काव्य पाठ नहीं कराते कि बिल्कुल जल्दी 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 के। नहीं नहीं कोई बंदिश नहीं है, आप तो खूब पढ़ो, पढ़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जी सुनिएगा गजल का मतलब, सुनिएगा। जी स्वागत। प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे, प्यार तेरा मे
मिला तो संभल जाएंगे, वरना जाने कहां कब फिसल जाएंगे। क्या बात है, तेरा मिला तो संभल जाएंगे। शेर पढ़ती हूँ सुनीता। हाथ दुनिया के आगे न थामा करो, हाथ दुनिया के आगे न थामा करो, देख कर दुनिया वाले ये जल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे। और ये शेर भी पढ़ना चाहती हूँ सुनिएगा। प्यार की गुफ्तगु यूं ही चलती रहे, प्यार की गुफ्तगु यूं ही चलती रहे, देखना लम्हे यूं ही निकल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे। और ये गजल का मकता निवेदित करना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि गजल का मकता जिसमें एक शायरा या शायर या कवि या कवित्री का नाम होता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं जिस शेर से हमारी गजल का समापन होता है, हम उसे मकता कहते हैं। मैंने इस शेर से ही इसका समापन क्यों किया, मैं पढ़ना चाहती हूँ और आपका समर्थन चाहती हूँ, सुनिएगा। अब गजल बस यही रोक दे मोनिका, अब गजल बस यही रोक दे मोनिका, वरना सबके यहाँ दिल मचल जाएंगे, प्यार तेरा मिला तो संभल जाएंगे। गजल खत्म, तालियां बजाइए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे श्रोता है, समझाओ तो।